नमस्कार साथियों, आज मैं आपको हरिशंकर परसाई जी का एक मजेदार व्यंग भोला राम का जीव सुनाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने परसाई जी की एक कहानी इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर सुनाई थी, जिसमें भारत की पुलिस व्यवस्था पर व्यंग किया गया था। इस कहानी में भारत के सरकारी कामकाज की जो व्यवस्था है उस पर व्यंग किया गया है। कहानी को अंत तक सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नर्क निवास स्थान अलर्ट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पूंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट, रजिस्टर पर रजिस्टर देखे जा रहे थे। गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींच कर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना हुआ, पर यहाँ तक पहुँचा नहीं। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज वह भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बदहवास वहाँ आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ था इतने दिनों तक? भोला राम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दयानिधान कैसे बताऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम का देह त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा प्रारंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग में सवार हुआ, त्यों ही वह मेरी चंगुल से छूटकर न जाने कहां गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया? दूत ने सिर खुजाकर कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट पाए, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को कुछ चीजें भेजते हैं और उसे रास्ते में रेलवे वाले उड़ा ले जाते हैं। होजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे के अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया? धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है, भला भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। इसी समय कहीं से घूमते फिरते नारद मुनि वहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देखकर बोले, क्यों धर्मराज कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक के निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कब की हल हो गई। नरक में पिछले साल बड़े बड़े गुणी कारीगर आए हैं, कई बड़ी इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आए हैं जिन्होंने ठेकेदारों के साथ मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं के पैसे खाए। ओवरसियर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव रास्ते में इसे चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। अगर ऐसा ही होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा देवर्षि। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स का तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता ना, भूखमरा था। नारद बोले, बड़ा दिलचस्प मामला है, अच्छा मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी जाकर देखता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोला राम नाम था। जबलपुर शहर में धामापुर मोहल्ले के नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की। उम्र लगभग 60 साल, सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने संसार छोड़ दिया। आज 5वां दिन है, बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा।
इसलिए आपको उसके परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से नारद भोला राम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता भोला राम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊँ, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहाँ से या तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेच दिए हमने, फिर बर्तन बिके। जब कुछ नहीं बचा, चिंता से घुलते घुलते भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी उम्र इतनी ही थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी, 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए, अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को नहीं थी, वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह तो बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिससे उनका जी लग गया हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है, मेरा मतलब किसी स्त्री ने गुर्रा कर नारद को देखा और बोली, अब कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो, जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ तुम्हारा यह सोचना भी ठीक है, यही तो हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद को दया आ गई, वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है, मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊँगा और कोशिश जरूर करूँगा। वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुँचे। वहाँ पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोला राम ने दरख्वास्तें तो भेजी थीं, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे से चौथे के पास, चौथे से पांचवें के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं के अफसरों में घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? अगर आप साल भर इसी तरह चक्कर लगाते रहें तो भी आपका काम नहीं होगा, आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दीजिए तो अभी तुरंत काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे, बाहर चपरासी ऊँग रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए, बोले, इसे कोई मंदिर समझ लिया है क्या, धड़धड़ाए चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी तो सो रहा था। क्या काम है, साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोला राम के पेंशन का केस बताया। साहब बोले, आप हैं वैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते, असल में भोला राम ने गलती की। भाई यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, आप भोला राम के आत्मीय मालूम होते हैं, भोला राम की दरख्वास्तें उड़ गईं, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन केस 200 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है, 200 बार एक ही बात को 20 तरह से लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है, जितनी पेंशन मिलती है उससे ज़्यादा तो स्टेशनरी लग जाती है। हाँ जल्दी भी हो सकती है, मगर साहब रुके, नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए, आप समझे नहीं, जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोला राम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, मैं उसे दे दूंगा, साधु संतों की वीणा से तो अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपनी वीणा छीनते देख घबराए, पर फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रख दी।
यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसके पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोला राम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोला राम के 100-150 दरख्वास्तों की फाइलें लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर से बोले, भोला राम। सहसा फाइल में से आवाजें आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद चौके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोला राम, तुम क्या भोला राम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, मेरा मन यहीं लग गया है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। आज की कहानी तो यहीं खत्म होती है। यदि आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आपने पूरी कहानी सुनी है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें। मैंने इस चैनल पर UGC नेट के पाठ्यक्रम में शामिल हिंदी की अन्य महत्वपूर्ण कहानियाँ भी सुनाई हैं, उन्हें सुनने के लिए दाईं वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। और यदि आप दिनकर, निराला, महादेवी, अज्ञेय आदि महाकवियों की चुनिंदा कविताएँ सुनना चाहते हैं तो बाईं वाली प्लेलिस्ट पर जाएं। और यदि आपको मेरे वीडियोज़ काम के लगें तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।